सो हेलो गाइज, वेलकम आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टिक वर्ल्ड में। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो सेटअप देने वाला हूँ, ठीक है। दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि जो मैं सेटअप देने वाला हूँ और जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप 80% प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से 8 ट्रेड आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट दे के जाएगी, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। हो सकता है दो ट्रेड ऐसा हो जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर दो बार मैं 10-10 रुपया गंवा रहा हूँ और 8 बार 100 रुपया मैं लेके जा रहा हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सेटअप क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल एके स्टिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस में डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जानते हो कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है मोबाइल के थ्रू, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ बाय और सेल करने के लिए बताया हूँ और कुछ चीज़ें बताया हूँ, और इस पर मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया था, बट आज की वीडियो में स्ट्रैटेजी फॉलो करके हम ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार के बारे में। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार ये चार्ट क्या खुल गया, मैं तो किसी और तरीके से देखता था, ये तो कुछ और तरीके से दिख रहा। अब बहुत लोग देखते होंगे इस टाइप से, ठीक है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ठीक है, उनको वो कैंडलस्टिक देखते ही नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न खोल दिया। तो यार देखो, जो ट्रेडर होते हैं ना वो इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं, सिर्फ इसको देख के नहीं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये चार्ट को मैं बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कुछ बता देता हूं, जिसके मैं पूरा सेटअप लेके बैठा हूं, यहां पे फोटो वगैरह लेके बैठा हूं, तो ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ताकि आप लोगों को अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ, ताकि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे, वरना जानोगे ये नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और मैं आगे का सेटअप बता दूं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां भी बताने से पहले मैं थोड़ा सा चार्ट भी आप लोगों को कुछ बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं किस कैंडल पे बताऊं, यहाँ पे गाइज अभी आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का जो आप एक काम, जो ये जो आप देख रहे हो ना, ऊपर छोटी सी लाइन है, नीचे छोटी सी लाइन है, इसे हम लोग वीक कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग वीक कहते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड वीक है। अब ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो यहाँ से आप देख रहे हो विक के बाद जो पूरी ये आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये है बॉडी, इसे हम बॉडी कहते हैं। ये जो पूरी एक वो कैंडल है और ये विक और बॉडी मिलकर पूरी एक बॉडी बनती है। तो ये जो विक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जो गई विक गई है, ये इसका लो है, ठीक है। यानी कि प्राइस आप देखो, जैसे यहाँ पे आप ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो 44,779 रुपये अभी प्राइस है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से ये चला है, इसका लो है, और मार्केट यहाँ से ओपन हुआ 44,796, ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन है और मार्केट यहाँ तक पूरा गया, ठीक है, 44,928 तक, और हाई कहाँ तक मारा, हाई यहाँ तक मारा 44,940 तक। तो ये लो है, ये हाई है, ये पूरी बॉडी है। ये हुआ एक कैंडल, ठीक है। अब ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट कैंडल देख रहे हो, कुछ बड़ी बन रही है, कुछ छोटी बन रही है, किसी की विक छोटी है, किसी की विक ही नहीं है, कोई छोटा सा बॉडी बना रहा है, विक बहुत लंबा बना रहा है, तो ये किस टाइप का कैंडल है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बिहेवियर को बताता हूँ। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दूँ, कि जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे, चार्ट के बिहेवियर को समझोगे नहीं, कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, आप उसको सुनोगे नहीं, तब तक आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे चार्ट क्या कहना चाह रहा है, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट मुझे क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ समझाने के लिए मुझे यहाँ पे आना होगा और मैं थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपने सेटअप के बारे में बताऊंगा जो कि हैमर है और शूटिंग स्टार है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो कुछ कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में बताने वाला हूँ जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, बट जो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो वो है पूरी ग्रीन बॉडी। अगर पूरी ग्रीन बॉडी अगर बन रही है कैंडल, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बायर हावी है, बायर कंट्रोल करके रखे हैं सेलर्स को, यानी कि आज मार्केट ऊपर जा सकती है।
ये बुलिस है। बुलिस मतलब गाइस मार्केट ऊपर जा सकती है, बियरिस मतलब डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, तो बुलिस बियरिस ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन कैंडल जो सब बुलिस है यानी कि मार्केट यहाँ पे बायर लोग, देखिए अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खरीदोगे तो उसकी रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बायर अगर खरीदने लगेंगे तो रेट ऊपर चला जाएगा। अगर कोई बेचने लगा तो सेल तो मार्केट गिर जाएगा यानी रेट कम हो जाएगा, तो ये बुलिस है। वहीं पे अगर आप देखोगे छोटी सी विग बनी है दोनों साइड और ये ग्रीन बॉडी है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये होता है कि बायर्स कंट्रोल में है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनती है तो वहीं पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैमर, इसे हम लोग कहते हैं हैमर, और ये इसका जो शेप है ये हथौड़ा टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेलर जो है कोशिश कर रहा है मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का, ओके। बट बायर अगेन यहाँ से मार्केट को ऊपर तक लेके गया और अपनी बॉडी यहाँ तक ये बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर नीचे लाने की कोशिश किया बट वो यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर सेलर मजबूत होता तो इसको ब्रेक कर देता और मार्केट और नीचे आ जाता, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और बायर ने अगेन यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, यानी कि बायर स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कैंडल को देखो, ये भी हैमर की जैसा ही दिख रहा है बट ये उल्टा है और इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्ट मतलब अपोजिट, इन्वर्ट मतलब उल्टा। देखो यार एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है और वो सोचेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर यार समझोगे कैसे आप। तो वीडियो लंबा होने दीजिए बट आप नॉलेज लेके जाइए। सो ये इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, विग लंबी है और यहाँ पे नीचे की साइड थोड़ी सी बॉडी बन गई है, इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे जीत गए हैं बट यहाँ पे बायर जो है सो कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर मार्केट को यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है बट वो नीचे गिरा भी रहा है, बट बायर्स लोग अगेन यहाँ पे अपोजिट मतलब ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर लेके गए हैं थोड़ा सा। तो बायर तो यहाँ पे जीत गए बट बायर यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो कर रहे हैं। वेल वहीं पे सेम रूल होता है रेड कैंडल्स पे। इसका जो रेड कैंडल का जो ओपन होता है ना, एक चीज़ मैं आप लोग को चार्ट पे बताना भूल गया, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताया था, ग्रीन कैंडल का मैं आप लोग को बताया था कि इसकी जो ओपन है ओपन यहाँ से होती है, ठीक है। इसकी जो ओपन है ओपन ये है और इसकी क्लोज ये है और इसका हाई जो है सो ये है और इसका लो है सो ये है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, लो सबसे नीचे, हाई सबसे ऊपर। बट रेड कैंडल के साथ क्या होता है ना, रेड कैंडल के साथ ये जो इसका है ये इसका विग है, यहाँ से ओपन है और मार्केट यहाँ तक उन्होंने गिराया और ये इसका क्लोज है, ये इसका क्लोज है, ठीक है गाइज। ये और एरो हो गया है, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ और इसे मैं डिलीट करता हूँ। हाँ तो ये इसका जो है सो लोअर है, ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, ये पूरी ब्रेड रेड बॉडी है। ओपन गाइस रेड कैंडल का यहाँ से होता है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ओपन तो यहीं से हुआ ना, क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये रेड कैंडल का सिस्टम। अब मैं आता हूँ अगेन फोटो पे। हाँ चलो ठीक है, तो हाँ तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इसकी ये ओपन है और पूरी मार्केट यहाँ से ये लोग सेलर लोग यहाँ से नीचे तक लेके गए और कोई विग नहीं बनी है, पूरी रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स यहाँ पे हावी है, सेलर ज़्यादा कंट्रोल में है, बायर को कंट्रोल करके रखे और मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। अगेन यहाँ पे आते हैं, अगर छोटी छोटी विग बन रही है और पूरी रेड बॉडी बन रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हैं, ठीक है। ये पूरे स्ट्रांग है, इससे थोड़ा कम बट ये भी स्ट्रांग है। अब वहीं पे यहाँ पे आते हैं हैमर पे, इसे ही भी हैमर ही कहेंगे हम लोग, कलर से मतलब नहीं है। ये ग्रीन है, ये भी हैमर है, ये रेड है, ये भी हैमर है। बट यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेड हैमर बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं बट सेलर स्ट्रांगर है, सेलर स्ट्रांग है, सेलर जो है मार्केट को यहाँ से यहाँ तक नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन बायर क्या किया, बायर फिर से मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन फिर सेलर ने क्या किया, यहाँ तक वो लोग नीचे लेके आए, यहाँ से यहाँ तक सेलर नीचे लेके आए। तो ठीक है सेलर तो जीत गए, ठीक है सेलर स्ट्रांगर, बट यहाँ पे बायर एक्टिव है यानी बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, ओके। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर पे। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये है कि सेलर लोग यहाँ से मार्केट को यहाँ तक नीचे लेके गए, सेलर लोग तो मार्केट नीचे लेके गए बट अगेन बायर यहाँ पे कोशिश कर रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने की, ठीक है। और मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेके ये लोग आ भी गए हैं यहाँ तक, ठीक है।
तो यहाँ पे सेलर तो जीत गए, सेलर का काम यहाँ से तो यहाँ तक तो नीचे कर ही दिया मार्केट को ना, टोटल नीचे यहाँ तक किया था, बायर ने अगेन यहाँ तक ऊपर उठाया, बट सेलर जीत गए। बट यहाँ पे सेलर थोड़ी वीक शो कर रहे हैं, मतलब बायर ने उनको ढगेला, बायर ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर जीत गए बट वो थोड़ी वीक हैं। तो गाइज ये जो आप समझे हो ना अभी, ये आपको आगे काम देगा, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, जो कि मेरा हैमर और शूटिंग स्टार है। तो सबसे पहले मैं हैमर के बारे में बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हैमर का जो आप क्या देखोगे ना चार्ट में, हैमर का जो विग है वो विग बहुत ही लंबा रहे, ये जो आपका विग रहेगा हैमर का विग वो बहुत लंबा रहेगा, और ऊपर में आपका थोड़ा सा बॉडी रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बॉडी रहेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि ये हैमर है, हथौड़ा जैसा है, और इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसका मतलब ये है कि बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल का मतलब भी मैं आप लोगों को बता दिया, ये भी हैमर है, बट क्या है वो मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि हैमर सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, हैमर अगर मान लीजिए हल्का सा यहाँ वीक है ना, तो इसे भी हम लोग हैमर ही बोलेंगे। अगर छोटी सी वीक बन रही है ना तो ये भी हैमर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा वीक हैमर है। ओके, अगर आपको इस तरीके का हैमर दिख रहा है तो ये स्ट्रांग हैमर है, बायर कंट्रोल में, बायर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, बट हल्की सी वीक बनी तो थोड़ा सा वीक है। वहीं पे अगर इसकी वीक थोड़ी और बड़ी है तो ये भी हैमर ही है, बट ये और वीक हैमर है। वहीं पे इसकी कैंडल थोड़ी और बनती है, वीक थोड़ी और बनती है, इसका मतलब गाइस देखो ये जो नीचे वाला वीक है ना, इस वाले वीक और ऊपर वाले वीक में डिफरेंस ये है कि ये बीच में नहीं आना चाहिए। अगर बीच में आ गया तो फिर वो तो फिर बन जाएगा लट्टू, राइट। और लट्टू का मतलब ये है कि बायर भी कंट्रोल में है, सेलर भी कंट्रोल में है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मार्केट किधर जाएगा, तो मार्केट फिर साइडवेज जाने लगेगा, ठीक है। मार्केट ऐसे सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे से मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अभी मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये स्ट्रांग हैमर है, वीक बनी थोड़ा वीक है, और वीक बनी थोड़ा वीक है, अगर बीच से थोड़ा ऊपर बॉडी है तो वो वीक हैमर है, बट अगर पूरी ऐसी बनती है तो ये स्ट्रांग हैमर है। वेल, हैमर के बारे में आप समझ गए, लंबी वीक ऊपर में थोड़ी सी बॉडी। वहीं पे इन्वर्टेड हैमर, जो ये बॉडी है उसका पार्ट इधर रहेगा, जो इन्वर्टेड हैमर मैं अभी आप लोग को बताया था यहाँ, वहीं पे इसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। वेल, अब यहाँ पे मैं आता हूँ नेक्स्ट हैमर के बारे में, ठीक है, कि हैमर बियरिस सॉरी बुलिस क्यों होता है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में अगर आपका हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो फिर मार्केट सीधा बूम, मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 80% चांस कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, एंट्री लेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा हैमर का हाई है, हैमर के हाई को अगर नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो ब्रेक कर देता है तो हमारी एंट्री यहीं पे होगी। इसने ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट भी ब्रेक किया, इसने थोड़ा सा कम किया, बट फिर यहाँ से मार्केट बूम, राइट, और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वेल, अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ये तो मैं आपको चलो फोटो पे दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, राइट। वेल, अब आप लोगों को मेन, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर हैमर बता रहा हूँ, मेन काम तो अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो चलेगा, बट आपको देखना है, पूरा देखना है, समझना है। अब मैं आता हूँ गाइज यहाँ पे नेक्स्ट शूटिंग स्टार। अब गाइज आप कहोगे कि यार ये जो बन रहा है ये भी हमारा तो हैमर की तरह ही दिख रहा है, ये तो इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा उल्टा हैमर मतलब इन्वर्टेड हैमर, बट ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंडीशन यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ना मार्केट डाउन ट्रेंड पे है और डाउन ट्रेंड पे ये हैमर बना तो ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है और सेम पैटर्न यहाँ पे बनता अप ट्रेंड पे तो वो शूटिंग स्टार होता। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका भी मेरे पास है शूटिंग स्टार का। वेल, ये देखो इन्वर्टेड हैमर की जैसा ही दिख रहा है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं मार्कअप भी कर देके दिखा देता हूँ। देखो ये मार्केट अप ट्रेंड पे है और अप ट्रेंड पे तो ये मतलब हैमर बन रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे शूटिंग स्टार। और जब भी अप ट्रेंड पे अगर शूटिंग स्टार बन रहा है तो मार्केट बूम, सीधा नीचे, तो आप पुट खरीद सकते हो। अब इसमें भी गाइस कंडीशन अप्लाई, ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड पे है शूटिंग स्टार बन गया मार्केट सीधा नीचे गिरेगा और आपको ट्रेड लेना ही है, इस पर भी कंडीशन अप्लाइड है, वो मैं अभी आपको चार्ट पे बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, राइट। तो एक चीज आपको क्लियर करना जरूरी है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे हैमर बनता है, इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है और मार्केट ऊपर जाएगा, ये बुलिश पैटर्न है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है
और यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, तो ये बेरिस बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है और शूटिंग स्टार क्या है। हैमर जो है वो बुलिश है, शूटिंग स्टार जो है वो आपका बेरिस है। बुलिश मतलब ऊपर, बेरिस मतलब नीचे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे कंडीशंस बताता हूँ कि किन कंडीशंस पे हम ट्रेड लेंगे, राइट। तो कंडीशन यहाँ का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। तो ये मेरा 22 सितंबर कल ही का है, कल ही का चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं आपको जो अपना वो है स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि पहले जो मार्केट है वो कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट जहाँ पहले क्लोज हुआ है उससे अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट आप यहाँ पे देखो क्लोज यहाँ पे हुआ, मार्केट यहीं से ओपन नहीं हुआ है। ये देखो रेड कलर का, ये 21 सितंबर का, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 21 सितंबर 15:25 का कैंडल है ये। बट वहीं पे ये जो रेड कैंडल, ये 22 सितंबर का है, नेक्स्ट डे का। तो हमारा जो ये है, मैं आपको बता दूँ, ये जो देख रहे हो आप, ये क्लोजिंग है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट डे से चार्ट बन रहा है, ओके। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा क्लोजिंग है नेक्स्ट डे का, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो और मार्केट के गैप अप ओपन होने के बाद जब ये ऊपर जाए, तो ऊपर जाने के बाद जब ये वापस नीचे आए 100-150 पॉइंट, इतना ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद 100-150 पॉइंट नीचे आए। अब मार्केट ऊपर कहाँ तक गया है, मार्केट ऊपर गया है यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में प्राइस यहाँ पे 44,949, तो 44,949 से सीधा गिरा यहाँ पे 44,555, राइट। तो 500-900 यानी कि 400 समथिंग मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिरा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे गिरता है और यहाँ पे अगर हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और अगर यहाँ पे हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद फिर क्या होगा वो तो आप देख ही सकते हो, बूम, मार्केट सीधा ऊपर। अब गाइस कंडीशंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक मिनट। सबसे पहला चीज़, जो हमारा मार्केट नेक्स्ट डे क्लोज हुआ है उससे मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। यहीं से ओपन नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ। तो जब गैप अप ओपन हुआ तो हमारी गलती क्या होती है ना, ग्रीन कैंडल बन रहा है, हम लोग डर जाते हैं, अरे यार इतने बड़ी ग्रीन कैंडल, अब नेक्स्ट तो इतना मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो हम एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, एक मिनट, एंट्री हम कहाँ पे लेते हैं, एंट्री लेते हैं यहाँ पे, हमने देखते हैं कि चलो इसका भी ब्रेक कर दिया ये कैंडल, अब मार्केट जाएगा ऊपर। लेकिन हम गलती करते हैं, मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट डे जो क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे जो हमारा क्लोजिंग है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी बाय किया हुआ है, वो ऑलरेडी कुछ बाय करके रखे हुए हैं ऑप्शंस को। तो जो बाय करके रखे हुए हैं और उनका तुरंत एक ही मिनट कुछ ही सेकेंड्स में मार्केट ऊपर चला गया है 5 मिनट के अंदर, तो वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना यार। तो वो जो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर जब सेल करेंगे तो मार्केट तो नीचे जाएगा ही थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो हमें एंट्री लेनी ही नहीं है, जब तुरंत अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा। एक लॉजिक ये मैं समझा दिया, हाँ। तो अब मैं वापस आपको ये स्ट्रेटजी पे आता हूँ कि मार्केट पहला तो गैप अप ओपन होना चाहिए, जब गैप अप ओपन हो तो फिर ऊपर जाएगा और आपको वेट करना है नीचे आने का। तो जैसे ही मार्केट जब 100-150 पॉइंट नीचे आए और नीचे आने के बाद या तो हैमर बने या फिर इन्वर्टेड हैमर बने, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रश को लेता हूँ, हाँ, और इसे डिलीट करता हूँ। सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी हैमर ही है, ठीक है, ये भी हैमर ही है, बट ये वीक हैमर है, और इसे हम हैमर कंसीडर करें नहीं करें वो भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ठीक है ना यार, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये वीक हैमर है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आए, अब यहाँ पे आप देखो ये है बना इन्वर्टेड हैमर, राइट, ये इन्वर्टेड हैमर बना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन अगर हैमर बनता ना, हैमर बनता तब तो फिर 100% है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, 100% नहीं, 80-90% है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है।
और फिर जब अब आपको यहाँ पे एंट्री लेवल आपका क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, सबसे पहला चीज़ कि ये जो आपका है, ये जो आपका इन्वर्टेड हैमर बना है और ये भी आपका जो वीक हैमर बना है, चलो आप अगर इसमें डर रहे हो, इसमें आप नहीं ले रहे हो एंट्री, आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपको क्या देखना है कि ये जो इसका हाई है, ठीक है, इसका जो ये हाई है इसको ब्रेक करना चाहिए और ये कैंडल इसका हाई ब्रेक कर चुका है, और इसका जब हाई ब्रेक कर चुका है तो हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये इसका लो, ठीक है, इसका ये रेड कैंडल का लो, ओके। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इससे पहले मार्केट यहाँ तक नीचे जा चुका था, तो आपका जो स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस हो सकता है, आप स्टॉप लॉस S1 यहाँ पे ले सकते हो, सबसे पहला स्टॉप लॉस। अब मार्केट जब ऊपर जा चुका है तो आप स्टॉप लॉस फिर अपना यहाँ पे चेंज कर दोगे, स्टॉप लॉस चेंज कर दोगे, एंट्री आप यहाँ ले चुके हो, मार्केट ऊपर जा चुका है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है ना, दूसरी चीज़ ये करना है कि जब भी आपको दिखे कि रेड कैंडल बन रहा है, आपको या तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है 100%, या फिर आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दो, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो, जहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अगर इससे मार्केट नीचे जाएगी तो फिर मार्केट सीधा, और जो कि इस कैंडल पे हुआ है, ये ऐसा हिट किया है, तो यहाँ पे आपका बिक जाएगा। बट एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, स्लाइड करता हूँ, हाँ। तो अगर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ पे बैठ जाना है और मार्केट को देखना है कि क्या हो रहा है। अब आपको यार यहाँ पे रिग्रेट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप यहाँ से कितना लेके जा रहे हो, यहाँ पे देखो आपकी एंट्री है, मान लो यहाँ पे होती है 44,657, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो 44,600, रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए 44,890, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे 44,400, आप और समथिंग 350-400 पॉइंट लेके जा रहे हो, तो यार 350-400 पॉइंट समझ रहे हो आप, उतना प्रॉफिट लेके जा रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। ये था हमारा पहला स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि मार्केट, फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए और ऊपर जब चली गई मार्केट तो नीचे 100-150 पॉइंट नीचे आने चाहिए, नीचे आने के बाद या तो फिर हैमर बने या फिर इन्वर्टेड हैमर बने, हैमर बोलो इन्वर्टेड हैमर बोलो, यार बात है, हैमर बने तो आपको एंट्री ले लेनी है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री लेनी है जब उसके नेक्स्ट कैंडल, उसका नेक्स्ट कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करे तो आपको एंट्री लेनी है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन जाता है, इसके लोएस्ट को ब्रेक कर देते तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि लोएस्ट ब्रेक कर दे तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपको हाई पे लेना है, हाई जैसे ही ब्रेक करे वहाँ पे एंट्री लेना है और आपको वेट करना है कि नेक्स्ट रेड कैंडल कहाँ बन रहा है, वहाँ पे 100% प्रॉफिट बुक कर लेना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 20% बुक करो, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रख दो, अगर आपका स्टॉप एसएल यहाँ हिट भी कर जाता है तो आपका इतना तो प्रॉफिट ही है ना। तो ये था गाइस हैमर। अब मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार का स्ट्रेटजी, ठीक है। ये 18 सितंबर का है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो चार्ट है ना, ये मेरा जो मैं सेटअप जो बता रहा हूँ उस सेटअप पे मेरा ये कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे वो बन रहा है। अब वो चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, देखो मार्केट, पिछला मार्केट यहाँ पे ये 15 सितंबर का है, ये 18 सितंबर का है, पिछला मार्केट मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ, पिछला मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। और जो मेरा मार्केट ओपन हो रहा है अभी का मार्केट, वो यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट जहाँ पिछले बार क्लोज हुआ वहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, यानी मार्केट नीचे से ओपन हो रहा है और मार्केट नीचे से ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया है और ऊपर में अगर शूटिंग स्टार बना है, उसके बाद फिर क्या होगा वो तो आप देख ही रहे हो क्या होगा, उसके बाद फिर जो होगा बूम, मार्केट नीचे। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं इसे कट करता हूं और शूटिंग स्टार को दिखा देता हूं और अच्छे से, शूटिंग स्टार कहां पे बना है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये हमारा शूटिंग स्टार है, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूं, इसकी विग लंबी है इन्वर्टेड हैमर की जैसे, कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन बने रेड बने कलर मैटर नहीं करता। अगर शूटिंग स्टार बन गया तो ये बियरिश है,
मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट नीचे से ओपन हुआ है ऊपर लेके गया, तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर हुआ इसका मतलब समझ जाओ कि सेलर हम ही है। और मार्केट जब ऊपर जा रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो शूटिंग स्टार बियरिश है और ये अप ट्रेंड पे बनेगा। जब अप ट्रेंड है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो सीधा मार्केट नीचे जाएगा। और आपकी एंट्री क्या होगी और क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसका जो आप देखो, ये मार्केट ओपन कहाँ से हो रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और इसका जो ये आप देखते हो, ये लो है, इसका हाई यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी कहाँ पे, एंट्री होगी, एक मिनट, आपकी एंट्री होगी यहाँ पे। जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करता है, आपकी एंट्री यहीं पे हो जाएगी। और आपका एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर एसएल हिट करता है तो फिर कोई बात नहीं, एक बार हिट करेगा, दो बार हिट करेगा, तीन बार हिट करेगा, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो 7 से 8 बार आपका ये डाउन ही जाएगा, ठीक है। और ये आप पिछले जो भी चार्ट्स हैं उसके रिकॉर्ड को आप देख लीजिएगा, आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करिए, ये आपका होमवर्क रहा कि आप पिछले चार्ट को रीड करिए कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ बताने वाला था वो ये मैं बताने वाला था कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, प्लस यहाँ पे जो मेरा स्ट्रैटेजी है, अगर मुझे यहाँ पे लेना रहेगा तो फिर यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी लूँगा, मैं 50% क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। वो इसलिए 50% क्यों करूँगा, 100% क्यों नहीं करूँगा, वो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आप देखिए नेक्स्ट प्रीवियस डे जो मेरा मार्केट जो क्लोज हुआ है उसका लोवेस्ट क्या है, उसका लोवेस्ट है मेरा ये, ठीक है, उसका लोवेस्ट ये है। तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो जब मार्केट इसे ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर लेके गया, तो मार्केट के चांसेस हैं कि जब इसका लोवेस्ट ब्रेक कर, नेक्स्ट डे का जो मेरा लोवेस्ट है उसे अगर ब्रेक कर दिया, जो रेजिस्टेंस, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो मैं यहाँ पे लूँगा, ट्रेड नहीं छोड़ने का। लेकिन वहीं पे अगर गैप डाउन, बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन हो, मतलब मार्केट ओपन होता, अगर इससे भी नीचे गैप डाउन मार्केट ओपन होता और ये जो मेरा रेजिस्टेंस है इससे नीचे ही मार्केट रहता, यानी कि मार्केट ज़्यादा नीचे ओपन हुआ और मेरा मार्केट यहाँ तक आया, जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक आया और यहाँ पे शूटिंग स्टार अगर बन गया, तब तो मैं 100% क्वांटिटी वहाँ पे डालूंगा और शूटिंग स्टार की जगह पे एंट्री लूँगा, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो गाइस ये था आज का मेरा दो सेटअप। सो गाइस आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है यार तो फिर आप कमेंट करिए, मैं कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा कमेंट के जरिए। और सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।